देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है आपका नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। इंग्लिश में जिसका मतलब होता है फेमस, फेमस का मतलब मशहूर, और वेल नोन, वेल नोन का मतलब भी होता है मशहूर। तो फेमस और वेल नोन फॉर समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ों के लिए जो मशहूर होते हैं उसके लिए हम नोटोरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब के नोटोरियस शब्द कुख्यात, बदनाम, बदनामी जमाना, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा आदमी के लिए हम नोटोरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके सिनोनिम्स आते हैं इल फेम्ड, फेम का मतलब होता है शोहरत, तो जिसकी शोहरत बुरी हो उसको, उसके लिए हम इल फेम्ड, स्कैंडलस, डिसऑनरेबल, डिसक्रेडिटेबल, डिसरिप्यूटेबल, ब्लैटेंट, इनफेमस एंड ETC, मतलब और भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे और भी अच्छी तरह से समझ लेंगे नोटोरियस शब्द को। जैसे कि बोलेंगे ही इज़ अ नोटोरियस डकैत, वो एक कुख्यात बदनामी जमाना डाकू है और उनकी आदत लूटने और छीन झपट करने की है। मतलब हिज हैबिट इज़ टू रॉब एंड स्नैच। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसी से रिलेटेड आपका, कि दिस कंपनी इज़ नोटोरियस, ये कंपनी बदनामे ज़माना है, कुख्यात है, मशहूर है फॉर हाइडिंग द GST बिल्स, GST बिल को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, ना भरने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपने नोटोरिया शब्द को हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।